ओके थंबनेल की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी देर हो गई लेकिन मुलाकात आपसे फिर आज हो गई कल के बाद। कल बहुत सारे लोगों का मैंने देखा मैसेज था कल, चूँकि मैंने आपको पहले भी कई बार कहा कि हम लोगों की जो जिम्मेदारी है वो बहुत सारी है और ख़ासतौर पे आज तक को लेकर बहुत सारा काम करना पड़ता है, तो कुछ स्पेशल शूट था, एक स्पेशल स्टोरी है जो जल्दी आपको देखने को मिलेगी आज तक पे, तो उसमें था, इसलिए कल मैं आपसे मुलाकात नहीं कर पाया, बात नहीं कर पाया, उसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि 9 बजे का वक्त आप लोगों के लिए है लेकिन कल 9 बजे मुलाकात नहीं हो पाई। तो लेकिन अच्छा लगा, आप लोगों ने मिस किया, कहानी को मिस किया तो खुशी भी हुई, लेकिन अब कोशिश करूँगा कि ऐसा ना हो, जो भी हम लोग प्लान करें वो कम से कम 9 और 10 का टाइम ना क्लैश ना करें। तो आज कई लोगों की डिमांड थी और कई बार मैंने आप लोगों से वादा भी किया था कि जल्दी सुनाऊंगा निठारी की कहानी, तो मुझे लगा कि आज निठारी की कहानी सुनानी चाहिए। उसकी वजह ये भी है कि 17 मामले हैं, उसमें से बहुत सारे मामलों में फैसला आ चुका है, 13वें मामले में निठारी कांड के शायद नेक्स्ट वीक फैसला आना है, तो मुझे लगा कि इसी बहाने थोड़ी सी याद ताज़ा कर लें और उस निठारी में वापस लौटें। एक लाइन में अगर मैं कहूं कि निठारी की कहानी क्या है, तो ये एक अय्याश मालिक और एक आदमखोर नौकर की कहानी है। अजीब सा लगता है सुनने में लेकिन सच यही है कि एक अय्याश मालिक था और उसका एक आदमखोर नौकर था, और उन दोनों ने जो कुछ किया उसने फिर पूरे देश को दहला दिया, चौंका दिया, क्योंकि हम सब में से किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह की भी क्राइम कभी हो सकता है या ऐसा होगा। करीब 11 साल पुरानी बात है जब ये मामला सामने आया था, तब वरना तो ये 12 साल में बल्कि 10 साल कहूँगा। 1 जनवरी 2007 तब देश को पहली बार पता चला था कि दिल्ली के करीब नोएडा में एक इलाका ऐसा है जिसका नाम निठारी है, एक छोटा सा गांव, बहुत छोटी सी आबादी, बीच में एक सड़क है, सड़क के राइट साइड में आप देखें तो पॉश कॉलोनी है और लेफ्ट साइड में एक निठारी गांव है जहां का ये मामला है। अब मैं कहानी सुनाऊं उससे पहले इसकी एक चूँकि इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, एक दिसंबर 2006 जब ये मामला खुला उससे मैं 15-20 दिन पहले की बात बता रहा हूँ आपको, 10 या 15 दिसंबर के दरमियान की बात होगी 2006 की। हमारी टीम में एक रिपोर्टर थी, अब वो आज तक छोड़ के जा चुकी हैं, तो वो नोएडा में कुछ स्टोरी कवर करने के लिए आई गई, तो कुछ लोग मिले थे कि हमारे इलाके से कुछ बच्चे गायब हो रहे हैं और आप उस पर भी कुछ दीजिए, पुलिस कुछ कर नहीं रही है, ढूंढ नहीं रही है, तो उसको लेके उसने बताया कि ऐसे सीखा, तो कुछ लोगों से बाइट भी ली, बातचीत भी की, और करीब ये खुलासा होने से 15 दिन पहले दिल्ली आज तक पर एक स्टोरी चली थी कि निठारी में रहस्यमय तरीके से पिछले 1 साल से कुछ बच्चे गायब हो रहे हैं और वो कभी नहीं मिलते हैं। बट तब हम लोगों को भी लगा था क्योंकि मिसिंग का जो मामला होता है बच्चों का, उसमें बहुत सारे बच्चे गायब होते हैं तो फिर बाद में लौट आते हैं, जब लौट आते हैं तो माँ बाप वापस पुलिस में जाकर रिपोर्ट वापस नहीं लेते हैं, तो ये फिगर बढ़ता रहता है, तो हमें भी इसमें कुछ अनहोनी नहीं लगी क्योंकि ईमानदारी से कभी जाकर किसी ने इन्वेस्टिगेट किया नहीं था इस मामले को। लेकिन 15 या 20 दिन के बाद जब ये मामला खुलता है और सामने आता, तब हम लोगों को बड़ा अफसोस होता है कि काश उस वक्त हम इसको जांच करते, ढंग से करते, अच्छे से जाके इन्वेस्टिगेट करते, तो शायद हम लोग पहले से स्टोरी को ब्रेक कर सकते थे और सच्चाई सामने ला सकते थे, बट ऐसा हुआ नहीं। खैर, सेक्टर 31 नोएडा में, जैसा मैंने आपको बताया, एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है निठारी। 2006 जनवरी से वहाँ बच्चे गायब होने शुरू होते हैं, उन बच्चों की उम्र 7, 8, 9 साल से लेके 14 साल तक, एक सिर्फ 16 साल की लड़की थी, बाकी छोटे थे, उनमें कुछ लड़का भी था कुछ लड़की भी थी बच्ची, तो ये दिसंबर तक गायब होने का सिलसिला चलता रहता है और जनवरी से शुरू होता है 2006 से, तो जो बच्चे गायब होते उनके माँ बाप बेचारे परेशान, वो जाकर निठारी पुलिस चौकी में रिपोर्ट लिखाते थे, पुलिस उनकी रिपोर्ट लिखती थी, फिर पुलिस कहती थी कि चूँकि वो जो सारे बच्चे थे वो सारे ज़्यादातर गरीब घर के बच्चे थे जिनके माँ बाप या तो किसी के घर में काम करते थे या कोई ऑटो ड्राइवर था
या कोई छोटी मोटी नौकरी करता था या मजदूरी करते थे, ऐसे लोग थे। तो पुलिस ने भी इसको सीरियसली नहीं लिया और पुलिस को ये लगता था कि ये कहीं भाग गए होंगे या फिर गुम हो गए होंगे या चले आएंगे। तो ये मामला चलता रहा और तादाद मिसिंग बच्चे की बढ़ती रही। करीब मई आते आते 10-12 ऐसे बच्चे गायब हो चुके थे। जनवरी से शुरू होता और मई आते आते दिसंबर से पहले की बात है, 2006 की बात कर रहा हूँ। तभी 7 मई को एक पायल नाम की लड़की अचानक गायब हो जाती है नोएडा में। और ये सबसे थोड़ी सी बड़ी थी, इसकी उम्र होगी करीब 14-15 साल। तो पायल नाम की ये लड़की जब गायब हो जाती है तो उसके फादर जो है नंदलाल, वो पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं। तो पुलिस के पास भी ऐसे पहले कहानी थी बच्चों को, उसको लगा कि यही है पायल, चूँकि थोड़ी बड़ी थी तो पुलिस अपना इन्वेस्टिगेट करके उसके बाद टरकाती रहती है, टालती रहती है नंदलाल को। फिर नंदलाल जब ज़्यादा प्रेशर डालता है तो कहते हैं कि तुम्हारी बेटी अपने किसी दोस्त के साथ भाग गई होगी, लौट आएगी। तो वो उस तरीके से उसको समझाते रहते हैं, टालते रहते हैं। पर नंदलाल बाकी बच्चों के माँ बाप की तरह खामोश नहीं रहता। वो जब पुलिस उसकी नहीं सुनती है तो वो एक वकील करता है और कोर्ट में जाके कह देता है कि मेरी बच्ची गायब है और पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही, उसको ढूंढ नहीं रही है। तो ये सेशन कोर्ट में जब उसने रिट दाखिल की तो सेशन कोर्ट इसको बहुत सीरियसली लेता है। और उसके बाद उसने अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखाया था कि कई और बच्चे गायब हैं, उनको भी पुलिस ने आज तक नहीं ढूंढा, पुलिस लापरवाही कर रही है। तब कोर्ट का ऑर्डर आता है कि आप इसकी FIR दर्ज कीजिए। अब FIR दर्ज कीजिए तो किसके खिलाफ कीजिए, कैसे कीजिए? तो नंदलाल यहाँ से उनको प्रूफ देना शुरू करता है। अब नंदलाल जो कहानी बताता है वो ये थी कि 7 मई 2006 को पायल रिक्शा पकड़ती है अपने घर से और वो निठारी के सेक्टर 31 में जो गांव है D5 नंबर कोठी के पास तक जाती है। रिक्शा D5 पे रुकता है, पायल कहती है कि आप रिक्शे वाले को 2 मिनट रुको, मैं अभी कोठी के अंदर से आके पैसे देती हूँ। वो कोठी के अंदर चली जाती है, रिक्शा वाला बाहर खड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है रिक्शा वाले को पैसा मिला नहीं, वो भागेगा भी नहीं, वो इंतज़ार कर रहा है। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट गुजर जाता है, वो आती नहीं है। तो फिर 15 मिनट के बाद रिक्शा वाला D5 कोठी नंबर उसकी घंटी बजाता है तो अंदर से एक शख्स आता है और वो कहता है कि रिक्शा वाला बताता है कि ऐसे ऐसे यहाँ पर लड़की आई, मैंने उसको छोड़ा, वो अंदर गई है, वो बोली पैसे ला कर दे रहे हैं, वो अभी तक आई नहीं है। तो कहता है कि नहीं यहाँ तो कोई आया नहीं और जो आई थी वो तो बहुत पहले चली गई। तो उसने बोला कि पर मैं तो गेट के सामने खड़ा हुआ हूँ लगातार, मैंने तो किसी को जाते नहीं देखा। कहता नहीं नहीं वो चली गई। जो बंदा गेट के बाहर आया था और जिसने ये कहा कि यहाँ कोई नहीं आई थी, बाद में पता चलता है कि उसका नाम सुरेंद्र कोहली है। खैर रिक्शा वाला चला जाता है। अब इत्तेफाक से मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जो ये बच्चे गायब होते थे, सारी चीज़ें होती थी, वहाँ ज़्यादातर इसी तरह के गरीब लोग थे। तो नंदलाल अपनी बेटी को ढूंढते हुए जो पुलिस का काम करना था वो खुद करता है, वो तमाम तफ्तीश करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, पूछता है लोगों से। तो उसे पता चलता है कि पायल रिक्शे से गई थी, वो उस रिक्शे वाले को ढूंढ लेता है और रिक्शे वाले से पूछता है कि तुमने पायल को कहाँ छोड़ा। तो वो रिक्शा वाला बता देता है कि मैंने इस कोठी पे छोड़ा है और वो अंदर से बाहर ही नहीं आई। ये सारी चीज़ें वो अपने कंप्लेंट में लिख के देता है। ये बाकायदा पुलिस को, नोएडा पुलिस को 7 मई को जब पायल गायब हुई, उसने अगले दिन ये कंप्लेंट पुलिस में दी और उसने शक जताया कि इस कोठी में कोई ना कोई राज ज़रूर छुपा है, लेकिन पुलिस ने सुना नहीं। तो वही सारी चीज़ें कोर्ट में दे देता है, कोर्ट का ऑर्डर आता है कि आप भैया FIR दर्ज कीजिए। अब कोर्ट का जब आदेश आता है FIR दर्ज करने तो पुलिस की मजबूरी FIR दर्ज कर लेती है। अब उस FIR में जब दर्ज किया तो आपको जाहिर सी बात है कि FIR आप दर्ज करोगे तो नामजद करोगे, क्योंकि उसने ये भी बता रखा है इस कोठी का मालिक या यहाँ रहने वाले लोग इसके बारे में बता सकते हैं। अब उसमें जो मालिक था उसका नाम था मनिंदर सिंह पंढेर, करोड़पति आदमी, पंजाब का रहने वाला बिजनेसमैन, US ऑस्ट्रेलिया आना जाना, अच्छे परिवार से। तो जब उसे पता चलता है कि कोर्ट से आया तो पुलिस में जान पहचान थी, तो इस FIR को क्वैश कराने के लिए, ख़त्म कराने के लिए वो बाकायदा इलाहाबाद हाई कोर्ट जाता, क्योंकि निचली अदालत का फैसला था FIR दर्ज करने के लिए और इन लोगों के ख़िलाफ़। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जाता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में कहता है कि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट भी जो है वो फैसले को निचली अदालत के मानती है, कहती नहीं आप FIR दर्ज कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए।
अब मजबूरी थी पुलिस की, अब FIR दर्ज होने के बाद अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। अब ये सोचिए कि इसमें लेकिन टाइम लग जाता है करीब 5-6 महीने। 7 मई को पायल गायब हुई, उसके बाद पुलिस ने दर्ज नहीं किया, फिर लोअर कोर्ट का ऑर्डर हुआ, फिर हाई कोर्ट में क्वेश्चन करने वो चलता रहा, फिर FIR दर्ज हुआ, करते करते दिसंबर 2006 आ जाता है। अब इस दौरान पुलिस की मजबूरी थी कि जांच करे, लेकिन दोस्ती थी पंडेर के साथ, नोएडा पुलिस के जो थाना जो पड़ता था जुरिस्डिक्शन, तो वो उस हिसाब से काम नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जब पुलिस ने जांच शुरू की FIR दर्ज करने के बाद, चूंकि कोर्ट को बताना भी था, कोर्ट ने ये भी कहा था कि आप स्टेटस रिपोर्ट देंगे हमें, तो उस जांच के दौरान जो बच्चे गायब हुए थे, जब ये FIR दर्ज हुआ तो नंदलाल चूंकि उसी इलाके का रहने वाला था, तो जिनके बच्चे बाकी गायब हुए थे उनको भी एक उम्मीद जगी, वो नंदलाल के पास पहुंचे, तो नंदलाल ने फिर उन सारे लोगों को बताया कि आप भी अपनी अपनी चीज़ों को दोबारा खुलवाओ। तो वो फिर सारे पुलिस के पास पहुंचने लगे और पुलिस के ऊपर प्रेशर डालने लगे कि हमारा बच्चा कोई 10 महीने से, कोई 11 महीने से, कोई 9 महीने से, कोई 6 महीने से, कोई 2 महीने से गायब है, आप उसको ढूंढिए। उसके बाद पुलिस ने पहली बार सीरियसली इसको जांच करना शुरू किया। जब पुलिस ने जांच की और लोगों से पूछताछ की, तो एक अजीब चीज़ सामने आई, वो ये कि निठारी से जितने भी बच्चे गायब हुए वो अलग अलग घरों से निकले, खेलते हुए निकले, गांव मतलब मैदान से निकले, स्कूल के बाहर से निकले, घर के बाहर से निकले, लेकिन सारे जो गायब बच्चे हुए थे उनमें एक कॉमन चीज़ थी, वो सब आखिरी बार नोएडा के उसी D5 नंबर कोठी के बाहर देखे गए। जितने विटनेस थे उनका आखिरी बार हमने उनको यहीं देखा, इसके बाद ना उसके आगे देखा ना उसके पीछे देखा, D5 के पास देखा। हालांकि वो जो D5 कोठी है वहाँ लाइन से तमाम कोठियाँ हैं छोटी छोटी, लेकिन ये हुआ कि D5 कोठी के बाहर ही देखा। अब पुलिस के लिए भी बड़ी अजीब बात कि हर बच्चे को D5 के बाहर ही क्यों देखा गया। अब कुछ इसमें अच्छे अफसर भी थे, उन्होंने जांच शुरू की तो पहली चीज़ पता चली कि D5 कोठी में 2 लोग रहते हैं, मनिंदर सिंह पंडेर और उनका नौकर सुरेंद्र कोहली। करीब 2000 में ये कोठी ली थी मनिंदर सिंह पटेल ने, शुरू में कुछ फैमिली भी उनकी पत्नी वत्नी साथ थी, बेटा भी आता जाता था, लेकिन बाद में वो फैमिली सब पंजाब में रहने लगी। मनिंदर सिंह पंडेर यहाँ पे सिर्फ अकेले कभी कभी आया जाया करते थे। सुरेंद्र कोहली के बारे में पता चला कि वो 2000 में वो उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था, उसकी एक बीवी दो बच्चे। 2000 में वो नौकरी की तलाश में दिल्ली आया और नोएडा में एक कर्नल के घर पर वो कुक बन गया, खाना बनाता था और वो खाना अच्छा बनाता था, ये लोगों ने बताया। तो उस कर्नल के घर पे वो उसने 2000 से नौकरी की और 2003 तक नौकरी की। 2003 में मनिंदर सिंह पंडेर यहाँ पे आके रहने लगे, उस कर्नल के साथ जान पहचान थी, तो उन्हें एक भरोसेमंद नौकर चाहिए था, तो शायद उस कर्नल ने वो कहा कि ये ठीक ठाक है भरोसे का है, तो पंडेर ने कोहली को अपने घर पर नौकर रख लिया। और फिर पंडेर की फैमिली भी है जब तब तक जा चुकी पंजाब। अब ये कोठी जो है ये पूरी देखभाल कोहली के जिम्मे थी, पंडेर कभी कभी महीने, कभी 2 महीने में, कभी 15 दिन में नोएडा आते और इस कोठी पे रहता। अब पंडेर इस कोठी में क्यों आके रहते थे, जब पूरी जांच हुई तो पता चला कि पंडेर यहाँ पे सिर्फ अय्याशी करने के लिए आते थे इस कोठी में। वो जब भी यहाँ आते, दिल्ली नोएडा के कुछ ऐसे पिंप थे, दलाल थे, जो सारे डिटेल में है मोबाइल और उनके कॉन्टेक्ट से निकला, तो वो उसके ज़रिए लड़कियां मंगाते थे और इस कोठी में 2-3 दिन रहते और वो रात को लड़कियां आती, ठहरती, सुबह जाती, सारी कॉल गल, और ये सिलसिला चलता रहता। तो 2003 से सुरेंद्र कोहली ने ये लगातार देखना शुरू किया। अब 2006 में ये बच्चे गायब होने लगे, तो जब पुलिस को पहला क्लू मिला कि सारे बच्चे D5 के पास ही आके आखिरी बार देखे गए थे, तो 30 दिसंबर और 31 दिसंबर के बीच नोएडा पुलिस ने पहली बार तमाम दबाव के बावजूद D5 में जाने का फैसला किया। अब वो D5 में जब गई तो उसे वहां कुछ नहीं मिला, कोठी था ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, मैंने उस कोठी को बहुत बार देखा अंदर से भी बाहर से भी, और कई बार गया, बहुत डरा भी हूं मैं। उस कोठी की जो सबसे अजीब चीज़ थी वो ये थी कि उस कोठी के बैक साइड में एक लोहे का ग्रिल था, छत से लेकिन ज़मीन से लेके ऊपर तक, और उस ग्रिल के ठीक बाहर बहुत बड़ा नाला था, बहुत चौड़ा नाला, और वो नाला पीछे से बहता था, इसलिए उस नाले पे किसी का ध्यान नहीं जाता था, और गंदा नाला एकदम, और सभी के घर का जो बैक साइड था उस लाइन से जो कोठियाँ वहाँ पे उनका वो बैक साइड नाला है, तो उस नाले में जनरली कोई जाता ही नहीं था, ना सफाई होती थी,
मतलब वो वैसे ही था, बारिश के पानी से नाला साफ हो गया तो हो गया, नहीं तो ऐसे ही चल रहा। तो जब पुलिस पहुंची तो वहां पे उसे कुछ ऐसी चीज दिखाई नहीं दी, उसने सारा चीज किया उसके। पुलिस लौट आई, लेकिन जब पुलिस वहां पे गई तो जाहिर सी बात बहुत सारे पुलिस वाले थे, तो लोगों में थोड़ी सुगबुगाहट हुई कि कुछ है, D5 में है तो D5 में कुछ होगा, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा था। तभी इत्तेफाक से इस पुलिस के आने से कुछ लोगों का हौसला बढ़ा और वो घर के पीछे देखने लगे तो उस नाले को देखा गया। एक शख्स ने अपना दिमाग चलाया, वो पीछे की तरफ गया, उसने नाले को देखना शुरू किया और D5 का जो ठीक बैक का हिस्सा है, जो उसके ठीक पीछे नाला पड़ता है, मान लीजिए अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक कोठी है तो मेरे ठीक पीछे जो नाले का हिस्सा मेरे कोठी के पीछे का है, उसने ध्यान दिया कि उस नाले में बहुत सारे पॉलीथीन के बैग गिरे हुए हैं, छोटे छोटे, कोई इतना कोई इतना, ज़्यादा बहुत बड़ा कोई नहीं था। तो उसे अजीब लगा, तो उसने एक दो लोगों को बताया, एक पुलिस वाले को बताया जो बीट अफसर हुआ करता था, उसके साथ का था जो अक्सर था। तो पुलिस वाले ने हाथ नहीं लगाया, उसने को कहा कि अच्छा निकाल के दिखा, तो एक डंडा और वो मंगाया गया, एक पॉलीथीन को बाहर निकाला गया। ये बात है 31 दिसंबर 2006 की। तो जब उसको निकाला गया बाहर तो उसमें इंसानी जिस्म के टुकड़े थे। जो पहली पॉलीथीन निकली थी उसमें पैर का जो नीचे का होता है अंगूठा और ये घुटने से नीचे का वो था, वो देख के लग रहा था किसी बच्चे का। जैसे ही देखा उस पुलिस वाले की हालत ख़राब हो गई, उसने फौरन अपने सीनियर अफसरों को इन्फॉर्म किया, सीनियर अफसर भागे हुए आए। उसके बाद देखा तो वैसी पॉलीथिन बहुत सारे कलर, कोई ब्लैक कोई वाइट, इस तरह के कलर, ज़्यादातर ब्लैक, तो नाले में लाइन से दूर दूर तक। अब वो इतने सारे पॉलीथिन थे कि पुलिस की भी हालत ख़राब हुई। फिर बाकायदा सफाई कर्मचारी को बुलाया गया, नाले में उतारा गया और उसके बाद वो एक एक कर पॉलीथीन बाहर किया निकाला गया। करीब पहली खेप में 40 पॉलीथीन नाले से बाहर निकाले गए और जब खोला गया तो हर एक में इंसानी अंग। लेकिन उस पॉलीथीन से निकले इंसानी अंग को देख के एक बड़ी अजीब चीज़ थी, उसमें इंसान मतलब शरीर के तीन, ज़्यादातर पॉलीथीन में तीन ही हिस्से मिल रहे थे, या तो पैर, सर और दूसरा धड़ के नीचे का हिस्सा, गर्दन से नीचे यहाँ से लेके और पेट तक का ये जो पार्ट है ये नहीं मिल रहा था किसी पॉलीथिन। अब आदमी अगर क्राइम छुपाता है तो ज़्यादातर ये होता है कि आपका सर जो है वो गायब कर दे, फेस को डिस्ट्रॉय कर दे तो ताकि शिनाख्त ना हो, लेकिन यहाँ उल्टा था, यहाँ पे सर वर तो सब मिल रहा है, पैर भी मिल रहा है लेकिन धड़ गायब है, बीच का हिस्सा। बहुत सारे डिकम्पोज भी हो गए थे बॉडी, चूँकि 10-10, 12 महीने हो गए थे कई इलाज को, तो वो पता नहीं चल रहा था। खैर सबको उठा के फॉरेंसिक के लिए भेजा गया तो उन बॉडी को देख के ये पता चल गया था कि ये करीब नहीं तो नहीं, चूँकि गिनती जो हुई वो सर से हुई थी, तो ये था कि करीब 17 सर मिले थे जो रिकॉर्ड पे हैं। तो मतलब ये था कि ये 17 बच्चे हैं, उनमें कुछ लड़कियां थी कुछ लड़के थे। अब जब पूरी ये सब निकल गया तो उसी वक्त 1 तारीख को, 1 जनवरी 2007, पुलिस ने पंढेर और कोहली दोनों को उठाया, थाने ले गई। तब तक मीडिया में खबर ओबी वैन में लग गई, लाइव चल रहा है और एक साथ कत्लेआम की खबर, मतलब उस दिन की सबसे बड़ी खबर थी, मुझे आज भी याद है वो। और मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा अभी कुछ हो सकता है, एक साथ इतने बच्चों की लाशें नालों में, वो भी टुकड़ों में, और वो भी सर अलग पैर अलग और धड़ गायब। अब उन दोनों को उठाया गया, अब दोनों कोई जुर्म कबूल नहीं रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं और अलग अलग फिर खबरें आने लगी। एक हुआ कि ये सारे बच्चों को मार के इनके जो अंगों की है वो तस्करी होती थी। अब उसमें यह था कि 2 साल पहले उसी इलाके का एक डॉक्टर को पकड़ा भी गया था जो मानव अंगों की तस्करी में इन्वॉल्व था, और कहा गया कि वो डॉक्टर मोलिंदर सिंह पंढेर का दोस्त था। तो ये चीज़ें हो रही थी। फिर ये हुआ कि एक और इसको बल मिला इन अफवाहों को, वो इस वजह से कि जो सारी पॉलीथीन मिली, जैसा मैंने आपको बताया, उसमें पैर भी है सर भी है लेकिन वो नहीं है, आपके धड़ नहीं मिल रहा है,
तो उसमें एक चीज़ अजीब सी थी, वो ये कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है और सीने की हड्डी, ये हमारे इसी इसमें होता है, तो इसका वज़न जो है वो बाकी चीज़ों से ज़्यादा होता है बॉडी से। तो अगर बाकी वो चीज़ें बह गई नाले में, बरसाती पानी में और इसमें, तो हल्की चीज़ें कैसे रह गई? तो ये भी फिर रूल आउट हो गया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि सारे धड़ एक साथ बह जाएं और ये ना मिले। अब लेकिन उसमें फिर एक चीज़ आई कि मानव अंगों की जो तस्करी हो रही है, तो वो कोई प्रोफेशनल चाहिए, आम आदमी ऐसे बॉडी काट के नहीं कर सके, क्योंकि उसमें कई चीज़ें, आप इंसानी जो अंग होते हैं उनमें से आँख, दिल, लीवर और किडनी, यही चार चीज़ें होती हैं जो आप जिनका खरीद फरोख्त हो सकता है, और यही लगती है, तो आँख या दिल या लीवर या किडनी। अब लेकिन इसमें भी एक तकनीकी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपकी मौत हो गई है तो किडनी और लीवर जो है ये 45 मिनट के अंदर अंदर ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए दूसरे के, मौत के ठीक 45 मिनट के बाद, जबकि दिल 1 घंटे के अंदर अंदर हो सकता है, और आँखों के लिए है कि जो उसकी कॉर्निया है वो 6 घंटे में, 6 घंटे तक ठीक रहती, 6 घंटे के बाद अगर आप लगाएंगे तो वो बेकार है। तो ये उस वक्त चला सब कुछ, लेकिन फिर ये हुआ कि पूरी पूछताछ में ये रूल आउट हो गया कि नहीं, इसमें मानव अंगों की तस्करी शायद नहीं हो सकती है। तो खैर ये चलता रहा। इधर ये पूछताछ जब हुई तो पहली बार मुनिंदर सिंह पंदेर टूटा, और उसके जब मोबाइल वोबाइल कॉल डिटेल खंगाले गए थे तो बहुत सारे ऐसे पिंप दलालों के नंबर मिल चुके थे। एक बहुत बड़ा क्लू तभी इसी दौरान में जब कोठी की तलाशी ली गई फिर से 1 तारीख को, तो एक मोबाइल फ़ोन मिला। वो मोबाइल फ़ोन पायल का था जो 7 मई 2006 को गायब हुई थी, स्विच ऑफ था, बंद था, उसको रखा हुआ था। अब पायल का गायब होना और पायल का 7 महीने बाद मोबाइल फ़ोन उसी कोठी से मिलना, ये कड़ियाँ जोड़ रहा था। तो जब वो मिला तो पंडेर ने कहा कि मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ, तो सुरेंद्र कोहली से पूछा गया, तो सुरेंद्र कोहली ने पहले इधर उधर घुमाया लेकिन फिर बाद में एक्सेप्ट करना पड़ा, और वो पायल का था। अब ये हुआ कि इतने सारे बच्चे और इतनी सारे पीछे से कंकाल, निठारी के अंदर से कंकाल उगल रहा है एक नाला, ये अपने आप में मतलब वो चीज़ थी जो सोच से परे की चीज़ थी। तो अब पूछताछ होती, लेकिन अभी तक नोएडा पुलिस बहुत वो थी कि चलो केस सॉल्व हो गया, लेकिन असली कहानी क्या थी? जैसे मैंने बताया मानव अंगों की तस्करी का रूल आउट हो गया, तो फिर क्यों इतने सारे बच्चों को क्यों मारा, वजह क्या, रीज़न क्या? पंडेर लगातार, जो पहले पंडेर की बात कर रहा हूँ, जब पुलिस पूछताछ हो रही थी तो लास्ट में पंडेर को लगा कि अब जब इतनी सारी लाशें भी मिली और ये मिली हैं तो अब बचना मुश्किल है, तो पंडेर ने फिर सच बोलना शुरू किया। उसने बताया कि इस कोठी में मैं जो आया, तो मैं दिल्ली आता था नोएडा, ख़ासतौर पर यहाँ 1-2 दिन रहता था, तो हाँ मैं यहाँ लड़कियों को बुलाता था और मेरे बहुत सारे ये दलालों से जान पहचान थी, फ़ोन करता था, वो आ जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने फ़ोन किया और दलाल ने लड़की नहीं भेजी। पंडेर ने कहा तब उस रात मुझे बहुत बेचैनी हुई और मैं परेशान हुआ, तो पहली बार मैंने सुरेंद्र कोहली से कहा। अच्छा, जब लड़कियां आती तो सुरेंद्र कोहली उसी कोठी में होता था, और सुरेंद्र कोहली जब मनिंदर पंडेर कमरे में लड़की के साथ होता था तो उसने बयान दिया कि वो दरवाजे की छर्रियों से वो अंदर का मंदिर देखा करता था क्या कर रहा है मुनिंदर सिंह पंडेर। ये बात पंडेर को मालूम नहीं थी। तो खैर उस रात जब वो नहीं आई लड़की, तो इसने सुरेंद्र कोहली से कहा, तो सुरेंद्र कोहली ने कहा अच्छा ठीक है। तब सुरेंद्र कोहली पहली बार किसी को लेकर आया, एक लड़की को, और पंडेर उसके साथ पूरी रात रहा। पर उसने कहा कि मैंने कभी किसी का मर्डर नहीं किया, मैंने किसी को मारा नहीं, मैं कभी किसी बच्चे के साथ नहीं, बच्चे के साथ मैंने कोई यौन शोषण नहीं किया, किसी बच्ची के साथ नहीं किया, बट हाँ ये मैं करता था। तो पुलिस ने इन चीज़ों को वेरीफाई किया तो उसको कहीं कहीं लगा कि हाँ पंडेर सच बोल रहा है। तो अब सवाल ये कि फिर कोहली ने क्यों किया? अब 6 अलग अलग टीमें बनी हुई थी, प्रेशर बहुत था, CM से लेके सबका पुलिस के ऊपर दबाव, लोगों में गुस्सा था, निठारी में धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका था, इतने बड़ी तादाद में बच्चों की लाशें मिलके, तो अब पुलिस के लिए भी, अब तब तक वो चौकी इंचार्ज और ये सब सस्पेंड भी हो चुके थे जिन्होंने काम नहीं किया था, अब तक नई टीम आ गई, नई टीम काम कर रही है। अब कोहली से पूछताछ होती है, मुझे आज भी याद है कि जब कोहली से पूछताछ हो रही थी, वो भी गुप्त जगह पर, इसलिए कि इन दोनों को बहुत ही सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ रखा गया था, क्योंकि गुस्सा इतना बढ़ गया था कि लोग मनिंदर सिंह पंडेर और कोहली को मार डालते, उन्हें ज़रा सा भी मौका मिलता
और ये बात पुलिस को ही पता थी, इसलिए बाकायदा अलग से उनकी सिक्योरिटी के लिए फोर्स भी रखा गया और गुप्त जगह पे इन लोगों से पूछताछ हो रही थी। तो हम लोग का सोर्स था, उसने बताया कि गुप्त जगह पे पूछताछ हो रही, तो हम लोग पहुँचते थे। और तब चूंकि नोएडा और पुलिस के साथ एक अच्छी है कि थोड़ा मीडिया के साथ रिलेशन अच्छा रहता है, तो एक्सेस हम लोगों को ईजिली मिल जाता है। तो मैं उस दौरान में जब तक ये पूछताछ थी, मनिंदर सिंह पंडेर से करीब 3-4 बार, कोहली से भी 3-4 बार मैं मिल चुका था। मैं बड़ा बस ये था कि क्यों मारा ये जानना था, पर कोहली को देख के मुझे कभी कुछ सिहरन पैदा नहीं हुई या कुछ हुआ नहीं, वो कब हुआ आगे बताऊंगा। तो इधर पूछताछ चल रही थी, सुरेंद्र कोहली एकदम एक नंबर का ढीठ, वो कुछ बताने को तैयार नहीं, वो हर चीज़ रख रहा था पंडेर पे। नोएडा पुलिस भी एकदम की नहीं, तो फिर नोएडा पुलिस ने बहुत सारा इसमें खेल भी किया कि उसने ये बता दिया कि पंडेर ने तुम्हारे बारे में ये एक्सेप्ट कर लिया, तुमने ये कहा उसने अपना कर लिया, अब तुम फंसोगे ये। खैर करते करते करीब 2-3 दिन के बाद कोहली ने सच बोलना शुरू किया, और यकीन मानिए जब उसने पहला सच बोला, उस वक्त उस कमरे में, चूंकि जो मेन आईओ थे, मैं उनके हवाले से बात कर रहा हूँ, अब उस कमरे में 4 पुलिस वाले थे। जब पहला सच बोला कोहली ने, वो चारों कोहली को उसी वक्त छोड़ के रूम से बाहर आ गए। रूम से बाहर आने के बाद वो अपने सीनियर से कहते हैं, बाहर आने के बाद दो तो उल्टी करता है, दो पुलिस वाला, उसके बाद वो अपने सीनियर से कहता है कि मैं इससे पूछताछ नहीं कर पाऊँगा। तो बताया क्यों, तो उसने बताया कि क्यों उसने जो अभी जो बताया उसको सुनने के बाद अब तो मुझे उसके सामने जाते हुए भी डर लग रहा है। फिर उसको किसी तरह समझाया गया, और चूंकि वो अच्छा नोट वोट करने वाला पुलिस अफसर था, इसके बाद करीब सीधे 10 पुलिस वाले इस रूम में पहुंचते हैं, और दसों के दसों की अब कोहली के लेकर जो नज़रिया और सोच और देखने का, वो सब बदल चुका था। इसका पूछताछ वाले रूम में कोहली के हाथ बांधे जाते हैं, फिर पूछताछ शुरू होती है। तो उसने जो बताया था जिसकी वजह से ये चारों भागे थे और उल्टी की थी, उसने पहली चीज़ ये मानी थी कि जो बच्चे मारे गए हैं, इनमें से कई बच्चों के जिस्म को मैंने काट कर अपने किचन में बनाया और खाया। अब वो जब बोल रहा था, तो एक पुलिस वाले का ये था कि जब वो बोला तो उसके बाद हम लोग जब कमरे में वापस गए, तो मैं सिर्फ उसके दांत देख रहा था कि आदमखोर कैसा होता है। बोला उस घिन के साथ साथ उससे डर लग रहा था, डर ये लग रहा था कि कहीं हमें या भी ना खा ले ये। और मुझे लगता है कि उस वक्त उसकी सोच गलत नहीं थी उस पुलिस वाले की, अगर हम में और आप में से किसी को पता चले कि हमारे आसपास में कोई आदमखोर है, तो आप यकीन मानिए हमारी सोच एकदम बदल जाएगी, हमारा दिमाग कुछ और सोचने लगेगा, और हम मतलब बयान नहीं कर सकता हूँ मैं आपको। खैर जो पूछताछ हुई, तो उसने पूरी कहानी सुनाई, जो कोहली की पूरी कहानी थी वो ये थी कि कोहली के दो बच्चे थे, एक बीवी अल्मोड़ा के गांव में उत्तराखंड में, दिल्ली आया नौकरी करता है, 2003 से पनेर के साथ था। कहता कि वो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर जब ही पंडेर दिल्ली आता नोएडा के उस फ्लैट में और वो लड़कियों को बुलाता, तो वो रात को उसको देखता, और वो चूंकि शराब पीता पंडेर, और उसे भी पिलाता और वो भी पीता कोहली, तो बोला उनको देखने के बाद मेरे अंदर भी शैतान जागता लड़कियों के साथ देखना। तो एक जो मैंने आपको बताया था कि एक दिन एक लड़की नहीं मिली, किसी पिंप ने नहीं भेजा, जब मनिंदर सिंह पटेल ने पहली बार सुरेंद्र कोहली से कहा, तो सुरेंद्र कोहली एक लोकल जो लड़की थी उसको लेकर गया, और उसके बाद रात भर वो पंडेर रहा, और उस दिन सुबह पंडेर को वापस जल्दी जाना था, उसको शायद वापस चंडीगढ़ जाना था। तो ये अपना पंडेर निकल गया, वो लड़की तब तक D5 में ही थी, उसका नाम है लेकिन मैं आपको इसलिए नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि 2-3 उसमें चीज़ें आ गई थी उसके कैरेक्टर को लेकर बाकी चीज़ों को। तो खैर पंडेर चला गया आप घर में, पंडेर यह कह के गया था कि इसको तुम भेज देना, इसके लिए ऑटो करवा देना, ये चली जाएगी। पंडेर जब चला गया, तो कोहली उस लड़की के पास जाता है और वो उस लड़की को ऑफर करता कि मैं भी तुझे पैसे दूंगा। तो वो लड़की उसको कुछ ताने मारती है उसकी मर्दानगी को लेकर, तो इसे बहुत गुस्सा आता है, और उस गुस्से में वो गला दबाकर उसको मार देता है। ये कोहली का पहला मर्डर था, और मारने के बाद वो उसके कुछ पार्ट्स काटता है, और मारने के बाद वो उसके लाश के साथ भी कुछ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, और पार्ट्स काट वो मारने के बाद उसको बाकायदा जो बयान है उसके पूरे, वो ये है कि उसको बाथरूम में ले जाता है,
उसी बाथरूम में जिसमें मनिंदर सिंह पांडे और कोहली दोनों नहाते थे, उस बाथरूम में ले जाकर वो उसके बॉडी के तीन टुकड़े करता है, सर अलग करता है, पैर अलग करता है और धड़ अलग करता है। और उसके बाद करने के बाद फिर वो उसके पार्ट्स को थोड़ा सा निकालता है, कुकर में बनाता है किचन में ले जाकर, और वो उसको खाता है। और बाकी जो पार्ट्स थे फिर उसको वो पॉलीथीन में डाल के छत पे जाता है और पीछे जाली से नाले में फेंक देता है, पूरा फिर बाथरूम की सफाई कर देता है। ये पहला मर्डर हो गया। इसके बाद अब उसे खून लग चुका था। अब इसके पीछे एक और भी रीज़न आया, वो ये था कि कोहली के दो बच्चे थे, लेकिन जब यहाँ पे आया तो उसके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी कि वो अपने आप को इम्पोर्टेंट समझने लगा था, और शायद ये इसी तरह की जो कुछ कॉलगल थी उन्होंने उसको ये कहा था, तो उसके अंदर एक गुस्सा आ गया था और उसे लगता था कि वो शायद कमज़ोर है। तो इसका इलाज कराने के लिए भी वो कुछ गया किसी के पास, पर गुस्सा उसके अंदर पूरा था। और पंडेर के साथ जो उस दिन जो जो लड़की गई सुबह, उसने उसको और उसके गुस्से को भड़काया। फिर उसने कहा कि अच्छा मैं देखता हूँ। अब उसके बाद क्या किया कि ये पहले मर्डर के बाद जब कुछ नहीं हुआ, पंडेर की पुलिस में इतनी सारी जान पहचान थी, बड़े बड़े पुलिस वाले भी उस D5 कोठी में पार्टियों में आते थे कई बार शराब पीने के लिए, फिर इसे लगा कि कुछ और करते। तो एक दिन इस इंसिडेंट के करीब 10-15 दिन के बाद उसने पहले बच्चे का शिकार किया। वो एक बच्ची थी जो D5 के पास खेल रही थी, दोपहर का वक्त था, जब अकेले में उसने देखा तो ये टॉफ़ी लेकर आया और उसने टॉफ़ी दी बच्ची को। बच्ची छोटी सी, उसको बेचारे को क्या समझ क्या अकल, उसने टॉफ़ी खाई, फिर उसने उसको बोला भी अंकल और, तो उसने बोला अच्छा और लेना तो आओ अंदर आओ घर में देता हूँ। उसने चारों तरफ देखा, दोपहर का वक्त गर्मी का दिन, सड़क पे कोई देखने वाला नहीं, और D5 के सामने वैसे भी कोई घर नहीं कि जिससे लोग सब नज़र रखें, दाएं बाएं जो कोठियां हैं उनमें दरवाज़ा ही कम खुलते हैं, लोग कम रहते हैं और ज़्यादातर जो रहते हैं वो इधर उधर रहते हैं। तो मौका देखते ही उसने उसको D5 के अंदर बुला लिया, उस बच्ची को दोपहर को। ये पहली बच्ची गायब हुई थी निठारी की, और ये महीना था करीब जनवरी या फरवरी 2006। उसके बाद उसने उस बच्ची को अंदर बुलाया, उसके साथ उसका गला घोटा। वो हर एक के साथ पहले गला घोटता था, गला घोटने के बाद फिर उसने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। फिर उसके बाद उसको बाथरूम में ले गया, बाथरूम में उसके टुकड़े किए तीन। फिर एक टीज़र में मैंने आपको दिखाया होगा, जिसका थोड़ा सा क्राइम तक पे आप देखेंगे, जिसमें ये जो मैं निठारी की आपको कहानी सुना रहा हूँ उसमें कोहली अपने मुँह से बोल रहा कि मैंने उसके पैर काटे, फिर मैंने उसके हाथ का हिस्सा और चेस्ट का हिस्सा काटा और किचन में बनाया और खाया। इसके बाद हर महीने 15 दिन में एक बार इसी तरह टॉफ़ी हाथ में लेता, वो D5 कोठी के बाहर टहलता रहता, जो बच्चा या बच्ची उसको अकेले में दिखाई देता उसको बहाने से अंदर लाता, उसको गला घोटता, उसके लाश के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता, फिर बाथरूम में ले जाता, वहाँ उसकी बॉडी को चॉप करता, पॉलीथीन में डालता, फिर फेंकता। और कुछ बार, कम से कम हालांकि एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन उसने ये कि 5 से 6 बार उसने बॉडी के कुछ पार्ट्स को बाकायदा कुकर में बनाकर खाया। ये जब कहानी बताई तो फिर जाहिर सी बात है पुलिस वाले, अदालत पुलिस वालों को तो मतलब जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी वो सब भी उससे घबराते थे, उसको देख के ही अजीब सी एक सेहरन पैदा होती थी। तो जब मैं 2-3 बार शुरू में मिला तब मुझे ही नहीं मिला, लेकिन ये जैसे ही तीसरे दिन ये कहानी उसकी पता चली, मैंने कहा ये हो नहीं सकता। अरे वो उस पुलिस वाले ने कहा कि ये है भाई। और मैं पहुंच गया वहां पे, अब एक कमरे में पंडेर, एक कमरे में कोहली। जनवरी का महीना था, पंडेर स्वेटर वेटर पहन के, कोहली भी स्वेटर पहने हुआ, लेकिन पंडेर को देख के मुझे कोई फीलिंग नहीं आई। कोहली जैसे ही सामने आया मैं मतलब सेहरन सी पैदा हो गई, क्योंकि मैं जो सुना था और जो सच था, तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक ज़िंदा आदमखोर को अपने सामने देख रहा था, एकदम हमारे आप जैसा इंसान, बल्कि देखने में मासूम शक्ल उसकी, रंग काला, लेकिन जब अपने मुंह से उसने एक्सेप्ट किया। उसके बाद पुलिस वाले उससे जब भी पूछते थे कि तुम ऐसा क्यों करते थे, तुम ये इसमें क्या था, तो वो मतलब आसमान की तरफ देखता, ये देखता बोलता था बस हो गया, बस हो गया,
बस हो गया, मतलब उसने कभी सही वो नहीं बताया रीज़न। तो फिर बातचीत हुई कि ऐसा क्यों है, तो पता चला कि वो था तो इंसान तब भी, लेकिन शायद फिर वो अपने आप में रहा ही नहीं, वो मतलब उसके अंदर का भयवान घुसा, उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ, और इसीलिए वो जब ये करता था तो उसे कोई फीलिंग नहीं आती थी, और एक एक कर इसीलिए वो D5 के बाहर से ही सारे बच्चे गायब होते थे। तो बाद में खैर जब ये सारा, एक उसमें लड़की थी रिम्पा हल्दर, जिसके बारे में, जिसकी भी बारे में ये था कि मुनिंदर सिंह पंडेर का उसमें रोल रहा है, लेकिन मुनिंदर सिंह पंडेर ने लगातार कहा कि मैं मर्डर में किसी में रोल नहीं रहा, बाकी चीज़ों में था, और किसी बच्चों के साथ भी यौन शोषण में, ये खैर पुलिस ने भी तमाम चीज़ें दी, CBI ने बाद में मामले की जाँच की, लेकिन उसमें मुनिंदर सिंह पंडेर का क्लियर क्लियर कुछ सबूत हाथ लगा नहीं। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हुई तो बाकायदा इन कैमरा मजिस्ट्रेट के सामने कोहली का बयान हुआ, उसने अपनी पूरी यही जो कहानी मैंने आपको सुना ये सारी कहानी बताई, और तब तक ये इसने अपना डिफेंड भी नहीं किया, और बल्कि एक दो बार बोला कि मुझे मार देना चाहिए, फांसी हो जानी चाहिए। जब इसकी फैमिली में गांव का पड़ा, उसकी बहुत ही सीधी सादी बीवी, बहुत ही दूर दराज गांव उत्तराखंड का, उसमें उन लोगों को भी यकीन नहीं, और उनके माँ बाप बुज़ुर्ग, उसने भी कहा कि अगर ये ऐसा है तो इसे मार देना चाहिए। और उसके बाद वो डासना जेल में रहा, अब भी वहीं है। 17 मर्डर के टोटल केस CBI ने दर्ज किए, 17 सर के बिहाफ पे, उसमें से करीब 12-13 के बारे में फैसला आ चुका है। कोहली को अब तक 12 या 13 फांसी की सज़ा हो चुकी है। मुनिंदर सिंह पंडेर को एक में फांसी की सज़ा हुई थी, लेकिन फिर पलट दिया गया था, और मुनिंदर सिंह पंडेर करीब पिछले 1.5 साल से या 2 साल से जमानत पर बाहर, आखिरी बार चंडीगढ़ के अपने घर में देखे गए, उसके बाद से वो भी गुमनामी की ज़िंदगी में है, केस चल रहा है, 3-4 केस के फैसले आने अभी बाकी है, 12-13 फांसी की सज़ा ऑलरेडी हो चुकी है कोहली को, पंडेर का आखिरी फैसला भी सुप्रीम कोर्ट में होगा। लेकिन सबसे अजीब चीज़ ये हुई कि 2000 मतलब 2-3 साल पहले अचानक जो फांसी की सज़ा हुई, तो एक में इसकी डेथ पेनल्टी पे साइन कर दिया गया कोहली के। जब साइन किया गया तो इसका मतलब है कि अब उसको फांसी होगी। अब जब फांसी होगी तो डेथ पेनल्टी का साइन करने का मतलब होता है सीधा सीधी जल्दी फांसी। तो एक रात अचानक हम लोगों को खबर मिली कि डासना मसूरी जेल से सुरेंद्र कोहली को मेरठ जेल ले जाया जा रहा है, क्योंकि फांसी की सुविधा मेरठ जेल में ही है। अब ये गाड़ी में बैठा के, चूँकि जेलर हम लोगों का सोर्स, जान उसका फ़ोन आ गया, हमारी टीम दौड़ी, अब सुरेंद्र कोहली को गाड़ी में बैठा के मेरठ ले जाया जा रहा है। यहाँ से करीब 1.5 घंटे का रास्ता है डासना से मेरठ जेल तक का, 2 घंटा रख लीजिए ट्रैफिक की वजह से। ये बात ब्रेक हो जाती है, हम लोग खबर कर देते हैं, तो तब तक कुछ वकील और जिसमें नामी कुछ ऐसे एक्टिविस्ट आ रहे लोग, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, सेम याकूब मेमन की तरह सेम कहानी है ये, और कहते हैं कि सुरेंद्र कोहली के अभी कई मामले में फैसला होना है, और सुरेंद्र कोहली को उसके बचाव का पूरा मौका नहीं मिला, और कुछ ऐसी कानूनी जो टर्म्स होते हैं उन सब का, तो इसलिए ये फांसी अभी नहीं हो सकती। और रात को फिर ये रजिस्ट्रार के पास पहुँचते हैं, और रात को ही फिर कोर्ट लगती है, और फिर रात को फैसला आता है। करीब ये फैसला आते आते 1 बज चुका था कि सुरेंद्र कोहली की फांसी को अभी रोक दिया जाए। अब लेकिन ये होता है कि फरमान, अब तक कानून हमारे है कि दस्ती जाएगा, मतलब हाथ से लिखा हुआ, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर कि उसकी फांसी पे रोक लगाया जाए। अब दस्ती के लेके जाने में भी ये था कि मान लीजिए रास्ते में ट्रैफिक जाम है, कुछ हो गया, पहुँचा नहीं, और उसके सुबह सुबह 5, 5:30 बजे फांसी दे दी गई, तो क्या होगा? तो फिर ये हुआ कि अच्छा नहीं, पहले फैक्स करते हैं, फिर आजकल एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी दौर है, तो ये करके रात को मेरठ जेल के जेलर के पास बाकायदा ये आदेश पहुंचता है कि उसकी फांसी को रोक दो। और ये ऑलरेडी मेरठ जेल पहुंच चुका था, जल्लाद अपनी तैयारी कर रहा था। और आप सोचिए कि याकूब मेमन, इसमें फ़र्क ये था कि याकूब मेमन का फैसला सुबह 4:30 बजे आता है, और उसके बाद कोर्ट कहता नहीं फांसी नहीं रुकेगी, और 2 घंटे के अंदर फांसी हो जाती है। इसकी फांसी में मुश्किल से 2-3 घंटे का वक्त बचा था, और सुप्रीम कोर्ट कहता नहीं फांसी रोक दो, और ये 2-3 घंटे की वजह से बच जाता है, और अब भी जेल में है, फांसी का इंतज़ार कर रहा है,
करीब, मैंने आपको बताया एग्जैक्ट गिनती याद नहीं, लेकिन 10 का तो पहले का मुझे याद था कि 10 में इसको फांसी हो चुकी थी, उसके बाद एक दो का और फैसला आया, तो करीब 12 फैसले आ चुके हैं जिसमें से इसको हर एक में फांसी हुई है। टोटल 17 है, 16 इसका, एक पंढेर का, तो अब बाकी के 3-4 के और आने हैं, और अब देखिए इसको फांसी कब होगी। लेकिन ये है कि ये मौत से सिर्फ 2-3 घंटा का फासला था इसमें और मौत में, लेकिन वो कोर्ट के एक आदेश ने इसको बचा लिया, कौन थे वो लोग जो, लेकिन अंजाम यही होगा। लोग पूछे कौन थे वो लोग जो कोर्ट में गए थे? उसमें कई थी, एक इंदिरा जयसिंह बहुत फेमस वकील हैं वो भी थी, और जो इस तरह के एक्टिविस्ट थे वो लोग, तमाम लोग जो ह्यूमन राइट्स के लिए जो लड़ते हैं हमारे देश में। और ये एक अच्छी चीज़ है कि हर अलग अलग हक के लिए लोग लड़ते हैं और करते हैं, ताकि ये ना हो कि एक तरफा चीज़ें हों। तो खैर, कुल मिला के ये कहानी यही थी कि 12 फांसी हो चुकी है शायद इसको, 12 या 13, 3 का इंतज़ार है। अब ये देखना है कि 1 जनवरी 2007 को गिरफ्तारी हुई थी, 11 साल बीत चुके हैं, 17 बच्चों का कत्ल, उनमें से कई का इसको कुकर में बना के खाना एक आदमखोर, और उसके बावजूद 11 साल से वो जिंदा है, फांसी नहीं हुई। ये भी हमारा एक कानून का एक अलग रूप है कि ऐसे ऐसे संगीन मामलों में भी इतना वक्त लगता है जो होना नहीं चाहिए। और पंढेर इस वक्त जमानत पे बाहर है, कोहली डासना जेल में है, और अब देखिए कि कब फांसी होती है। तो कुल मिला के निठारी की ये जो है पूरी कहानी थी, और इस कहानी के ज़रिए मैं चूँकि लगातार हमेशा अलग अलग तरह के क्राइम की खबरें की, बट हाँ पूरी ज़िंदगी में मुझे पहली बार एक जिंदा आदमखोर को आम अपने सामने बैठे हुए देखने का मौका मिला था उस वक्त। और बात करना या आपको बताना, अभी आपको वो फीलिंग नहीं आएगी, लेकिन अगर आपको ये पता चले कि इतने बच्चों को इसने बना के खाया है और वो आपके दो हाथ आगे बैठा हुआ है, तो आप यकीन मानिए कि आप उसकी बॉडी टच करने से भी सिहरेंगे, सहमेंगे, क्योंकि सोचने की चीज़ ही नहीं है कि एक इंसान अपने जैसे इंसान को मार के खा भी सकता है। तो इसीलिए, और ये उन माँ बाप से पूछिए जिन्होंने निठारी में अपने बच्चे खोए, जब नाले से कंकाल, नाला एक तरह से कंकाल उगल रहा था, और आज भी वो निठारी सेक्टर 31 में, मैं अभी करीब 12 दिन, 12-10 दिन पहले, 12 या 13 तारीख, नहीं हाँ 13 तारीख को मैं इत्तेफाक से निठारी से गुजर रहा था। तो मैं जब भी गुजरता हूँ, मैं गाड़ी रोकने के बाद एक बार पैदल चल के, चूँकि वहाँ पे थोड़ा सा वो है रास्ता कंजेशन है, गाड़ी ले तो जाए तो मोड़ने में प्रॉब्लम आती, तो मैं मेन रोड पे गाड़ी रोक देता हूँ और सिर्फ पैदल चलकर मैं उसको 2-3 मिनट देख के ज़रूर आता हूँ, क्योंकि वो चीज़ें ये बताती हैं कि इंसान के इस दुनिया में कितने रूप हो सकते हैं और इंसान कैसे कैसे हैवान बन सकता है, ये जानने के लिए निठारी का वो D5 कोठी ज़रूर देखता हूँ। अब D5 कोठी की हालत ये है कि गेट तो बंद है, कोर्ट के ऑर्डर पे सब कुछ, कोठी के चारों तरफ घने झाड़ उगाए हैं, पेड़ जो है वो बेतरतीब सा हो गया है, आधा कोठी पे गिरा हुआ है, और घास फूस, वो कोठी लगभग एक तरह से बाकी कोठियों के बीच में, कोठी होते हुए भी एक जंगल जैसा दिखाई देता है, और उसको देखते ही आपको एक डर महसूस होता है। और अब का तो पता नहीं, पहले जब ये हुआ था उसके बाद जब भी लोग गुजरते थे तो उसमें बहुत सारे ऐसे थे जो माँ बाप जब बच्चों के साथ चलते थे तो अगर वो इधर से जा रहे हैं तो कोठी लेफ्ट, तो वो कहते थे बाएं मत देखो दाएं देख के चलो, उधर से आ रहे थे कहते दाएं मत देखो बाएं देख के चलो, ये उस कोठी की पहचान है। और आज भी वो कोठी वैसी ही डरावनी है, किसी भूताहा उससे कम नहीं है, और आज भी उस कोठी को देख के लोग खौफ खाते हैं। तो ये थी पूरी निठारी की कहानी, आप लोगों से कई लोगों ने कहा था, तो हालांकि मैं इस निठारी की कहानी को बहुत आगे सुनाना चाहता था इसलिए भी नहीं, कि ऐसी कहानियाँ सुना के थोड़ा सा खुद भी इमोशनल हो जाता हूँ, उसकी वजह है कि जो चीज़ आपने देखी है तो फिर आप उस वक्त के उस वक्त में आप पहुँच जाते हैं जब ये चीज़ें हुई थी, तो 11 साल पहले जो कुछ हुआ था। और इस निठारी कांड के बाद मुझे याद है आज भी कि करीब 1-1.5 महीने तक हम लोगों की ड्यूटी, हमारी रूटीन यही होता था, सुबह घर से निठारी, निठारी से दिन भर लाइफ, फिर रात को आके शो बनाना, और फिर वापस सुबह निठारी पहुंच जाना। तो उस दौरान बहुत सारे लोगों से दोस्ती भी हो गई थी निठारी के, अब बहुत ज़माने से उनसे मिला नहीं हूँ,
लेकिन हाँ ये है कि इस पूरे निठारी को अगर इंसाफ मिला और ये निठारी हिंदुस्तान के या दुनिया के नक्शे पे आया, बेशक इस तरह से आया लेकिन आया, तो उसकी बहुत बड़ा उसका जो क्रेडिट जाता है, वो जो पायल लड़की थी जो मारी गई इसमें भी, उसके जो पिता थे नंदलाल, उसको जाता। उस नंदलाल ने अगर कोशिश ना की होती, वो कोर्ट तक ना जाता, ये एफआईआर दर्ज ना होता, तो शायद निठारी में ना मालूम और ऐसे कितने कंकाल निकलते, ना मालूम और कितने बच्चे जो हैं वो सुरेंद्र कोहली के निशाने पे होते, उसका शिकार बनते। लेकिन नंदलाल की इस लड़ाई को वाकई सलाम है, क्योंकि उसने बहुत गरीब और छोटा इंसान हो के भी उसने अपनी लड़ाई लड़ी, अपनी बेटी के लिए लड़ी और अदालत तक पहुंचा और पुलिस को मजबूर किया कि वो इन्वेस्टिगेट करे मामले की। ऐसे लोग होते हैं तो फिर वाकई क्राइम पे लगाम लगता भी है और बड़े बड़े मामलों की जांच हो भी सकती है। तो फिलहाल निठारी में पूरा इतना ही, वक्त भी हो गया 9:50। अब मंडे को आपसे मिलेंगे ताकि आप लोग ये शिकायत ना करें कि मैं संडे इंतज़ार कर रहा था और नहीं आया। एक दिन होता है और बड़ी मुश्किल से मिलता है, हालांकि वो भी बार बार आपसे कहता हूँ, क्रिमिनल के ऊपर हम लोगों की छुट्टियाँ होती हैं, डिपेंड करती हैं, तो बस दुआ कीजिएगा कि कल कोई बड़ा क्राइम ना हो ताकि भागना पड़े। एक दिन है तो कुलभूषण यादव पे भी आपको मैं जल्दी सुनाऊंगा। मैं अभी वो स्टोरी एक्चुअली आपको सुना रहा हूँ जिससे मैं जुड़ा हूँ, जिसको मैंने कवर किया, जिसको मैंने आँखों से देखा, ताकि मैं सच और झूठ का फ़र्क कर सकूँ और आपको सही बता सकूँ। कुलभूषण यादव के बारे में मैंने स्टोरी शो तो किया है, लेकिन कुलभूषण यादव से कभी मिला नहीं हूँ, और ना चूँकि वो पाकिस्तान जेल में बंद है, ईरान से पकड़ा गया, ईरान से वहाँ पर लाया गया, सब कुछ। तो लेकिन मैं आपको उसकी भी जो इन डेप्थ इनसाइड स्टोरी, जहाँ तक मेरी पहुँच है, मैं ज़रूर सुनाऊँगा आपको। सर आपने कभी बागलकोट की कहानी सुनाने को कहा था, बीच में छोड़ दिया आपने। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं कि कोई बांगरकोट और बाकी की बात कर रहे हैं। मैं आपको देखिए, मौका दीजिए मुझे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आपको बारी बारी से सारी ऐसी ही कहानी सुनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि उस कहानी की कोई भी लाइन, कोई भी शब्द झूठ ना हो या ऐसी चीज़ें ना हो जो लगे कि कहानी सुना रहा हूँ, जो फैक्ट्स हों, जो हकीकत हो, और उसकी वही मैं आपको सुनाऊँ। इसलिए कि अगर मैंने एक भी झूठी सुनाई या एक तथ्य को आपके सामने गलत तरीके से रख दिया, तो फिर शायद अगली बार से आप क्यों मेरा इंतज़ार करेंगे और क्यों मेरी कहानी सुनेंगे। तो मैं इसलिए भी थोड़ा सा एहतियात बरतता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो भी चीज़ें हैं वो पूरे फैक्ट्स के साथ आपके सामने आऊँ, और पुरानी चीज़ें हो गई हैं तो उसे मैं रिकॉल करूँ, अपने उस वक्त की चीज़ों को देखूँ जो मैंने लिखी थी, वो स्क्रिप्ट निकालूँ, शोज़ देखूँ, ताकि कुछ चीज़ें भूल रहा हूँ, कुछ छूट रहा है, तो वो भी मैं आपके सामने शेयर कर सकूं। तो मैं बारी बारी से आपको सारी कहानियां सुनाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है, लेकिन फिर कहूंगा कल संडे है, कल के लिए हम आप नहीं मुलाकात करेंगे, लेकिन मंडे से मैं हाजिर रहूंगा, और मंडे से लेकर सैटरडे तक मैं कोशिश करूंगा कोई ऐसा दिन ना हो जब मैं 9 बजे आपके सामने ना हूँ। जो भी शूट हो वो भी उसी हिसाब से प्लान करूँ। तो इसी तरीके से बस आप क्राइम तक देखते रहिए, कहानियाँ सुनते रहिए, अपनी राय देते रहिए, और फिर मैंने आपको बताया कि अपने सुझाव जो है आप वो हमें मेल कर सकते हैं। दो दो मेल आईडी हैं, एक crimetakofficial@gmail.com, crimetakofficial@gmail.com, दूसरा एक मेरा पर्सनल है shams.khan@aajtak.com, shams.khan@aajtak.com। तो आप अपने इस पे मेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ट्विटर पे भी आप हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं @shamstahirkhan, बहुत इजी, @ और मेरा पूरा नाम एक साथ, शम्स ताहिर खान। तो ट्विटर पे @shamstahirkhan के नाम से, मेल पे shams.khan@aajtak.com, crimeofficial@gmail.com, crimetakofficial@gmail.com। तो मंडे आपसे 9 बजे मुलाकात होगी, लेकिन क्राइम तक को इसी तरह प्यार करते रहिए, क्राइम तक का परिवार बढ़ाते रहिए, और अपने तमाम जो लोग अब तक नहीं जानते हैं इसके बारे में उन्हें भी बताइए, आप का प्यार मिले, भरपूर मिले, बेशुमार मिले, बस यही दुआएं हैं। और खुश रहिए हमेशा और हमेशा, और अब सोमवार को आपसे मिलते हैं।